गाइस, आज मैं बहुत ही फेमस टॉनिक शेयर करने वाली हूँ जो स्पेशली महिलाओं की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। मैं बात कर रही हूँ हेम पुष्पा की। आपने इसका नाम जरूर से जरूर सुना होगा, ठीक है, अगर आप एक महिला है। वैसे टीवी पे भी इसका काफी ज्यादा एड आता है। तो ये हेम पुष्पा है जिसका मैं कुछ दिनों से सेवन कर रही हूँ। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, जो अनुभव रहा, वही आज के वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मेरा खुद का अनुभव है। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रही मेरी बोतल, ठीक है, इसे मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज है। सबसे पहले आपको हेम पुष्पा की बोतल मिल जाएगी, ठीक है, इसके अंदर टॉनिक होगा, जाहिर सी बात है। और इसके साथ आपको टैबलेट भी रिसीव होती है, मतलब टैबलेट भी मिल जाएगी जिसका सेवन आपको करना पड़ता है इसके साथ, यानी दोनों का सेवन करना जरूरी है। एंड एक आपको कप मिल जाएगा, क्योंकि 7 ml ही हमें हेम पुष्पा का एक बार में सेवन करना होता है। दिन में 2 बार आप इसका सेवन कर सकते हैं। मैं इसे लंच के बाद एक बार लेती हूँ और एक बार रात में जब डिनर कर लेती हूँ, सोने से पहले मैं इसका सेवन करती हूँ, ठीक है। ये क्यों यूज किया जाता है? जैसे आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर खुद रिकमेंड करेगा, बट मैं आपको बता दूँ ये किस किस काम में, किस किस समस्याओं को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये महिलाओं का स्वास्थ्य रक्षक टॉनिक है। ये कमर, पेड़ू व नलों का दर्द, ये जो नीचे दर्द नहीं होता, पीरियड्स वगैरह में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तब इसका सेवन किया जाता है। खून की कमी, अगर आपके शरीर में खून की कमी है, भूख नहीं लगती है, तब आप इसका सेवन कर सकते हैं। मानसिक व शारीरिक थकावट रहती है, आप थके थके महसूस करते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, चिड़चिड़ाहट होती है, तब आप इसका सेवन कर सकते हैं। बेचैनी रहती है, हथेली या तलवों में जलन रहती है, तो ये उसे दूर करने में सहायक होता है। महिलाओं को स्वस्थ बनाकर चुस्ती और ताजगी प्रदान करने में सहायक है। रक्त साफ करने में एवं सौंदर्य निखारने में, जब खून साफ होगा तो जाहिर सी बात हमारे चेहरे पे एक निखार होगा, पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम जो होगी वो कम हो जाएगी, तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। पूरे माह एक्टिव एंड फिट रखने में सहायक है, ठीक है, ये इसके बेनिफिट्स हैं। और मैं बता दूं कि मैं इसे क्यों लेना शुरू किया। एक्चुअली मुझे कुछ दिन पहले यूरिन इन्फेक्शन हो गया था, तो मेरे पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती थी, और तो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप हेम पुष्पा लेके देखिए, यानी उन्होंने दवाई दी है, दवाई खत्म होने के बाद उन्होंने हेम पुष्पा लेने को कहा। तब से मैं इसे हेम पुष्पा ले रही हूँ, ये मेरी दूसरी बोतल है, और मुझे फिलहाल कोई भी जलन महसूस नहीं हो रही है। और जो थकान रहती थी, मैं भी बहुत थकी थकी रहती थी घर के काम से, आप देख लोगे कि मेरे वीडियो रेगुलर नहीं आ पाते, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई महसूस करती हूँ। तो मुझे लगा कि हाँ, मेरी थकान भी कम हुई है, और सौंदर्य निखार हुआ कि नहीं वो तो बात की बात है, वो तो जब हम यूज करेंगे उसके बाद। पिंपल्स वगैरह तो वैसे नहीं आए मुझे, वैसे भी क्योंकि हमेशा तो पिंपल्स आते नहीं है, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती। एंड हाँ, अगर आपको इन रेगुलर पीरियड भी हैं तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। दिन में 2 बार लेना होता है। इसमें आपको 24 टैबलेट रिसीव होती है, मतलब मिलती हैं 24 टैबलेट, यानी ये 12 दिन की कंप्लीट डोज होती है। ये छोटी बोतल है, इससे बड़ी बोतल भी आती है। अगर आप बड़ी बोतल एक साथ लेना चाहते हैं तो आप एक साथ ले सकते हैं, ठीक है। 258 रुपये इसकी MRP है, बट मेडिकल स्टोर से मैंने लिया तो वहाँ पर कुछ परसेंट मुझे छूट भी मिल गई थी, बट कितनी ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि पति देव लाए थे, उन्होंने कहा था कुछ कम की मिली है, बस इतना बोला था। तो 258 इसका प्रिंट रेट है, हो सकता है मेडिकल स्टोर वाले आपको कुछ छूट दे दें या फिर आपको प्रिंट रेट में दें। तो अगर आप हेम पुष्पा का सेवन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और ये जो कंपनी है, ये है राज्य वैद्या की, एक बहुत ही जानी मानी आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाती है ये कंपनी, तो काफ़ी जाना माना टॉनिक है हेम पुष्पा। अब मैं आपको इसका सेवन करके दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरा तो इसको वैसे भी पीने का टाइम हो ही गया है, तो मैंने सोचा आज मैं आपके सामने इसको सेवन करके दिखाती हूँ। तो ये रही मेरी टैबलेट, सबसे पहले मैं टैबलेट का सेवन करूँगी एंड इसका टेस्ट आपको बताऊँगी। टेस्ट बहुत ही बेकार है, बट ये आयुर्वेदिक है। आयुर्वेदिक, जैसे कुछ आयुर्वेदिक चीज लेते हो कोई दवा, वैसा ही टेस्ट आता है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है। और लिक्विड आपको कितनी लेनी है,
ये मैंने छोटा ग्लास लिया है, मैं छोटे ग्लास में लेती हूँ आधा जो पानी होता है, आधा ग्लास पानी जो होता है और मैं टैबलेट के साथ ले लेती हूँ, आधा ग्लास पानी मैं इसके साथ लूंगी। और जब भी आप पिए पहले इसको थोड़ा सा शेक कर दें। शेक करने के बाद ये वाला एक ढक्कन आपको लेना है, ठीक है? बहुत ही गंदा है, पहले आप पियोगे। जैसे आपने कभी आंवला जूस पिया है, क्योंकि मैंने पतंजलि का आंवला जूस पिया है, सॉरी नॉइज आ रही थी, तो मैंने पतंजलि का एलोवेरा जूस पिया है, आंवला जूस, वैसा ही आपको शुरू में टेस्ट लगेगा। उसके बाद पता नहीं कौन सी ऐसी चीज है जिसकी महक बहुत तेज आती है, बट दवा है तो दवा की तरह आप इसे पी सकती है। इस टॉनिक के अंदर बहुत सारी औषधियां हैं, जैसे कि इसके अंदर लोधरा है, मंजित है, अनंत मोल है, बला है, वाला है, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, अशोक है, मुसली है, शिवलिंगी है, पुनर्नवा है, अश्गंध है, एंड दाई है, बहुत सारी दारू हल्दी है, मुलेठी है, गुड़हल है, और क्या चीज है, गम भरी, आई थिंक बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम होते हैं जो पहली बार सुन रहे होते हैं। नागर मोठा है, सत्तावर है, कात्री है, पलास है, नीलोफर है, इस तरह की बहुत सारी आयुर्वेदिक चीजें हैं। तो इन सारी आयुर्वेदिक चीजों को मिलाकर ये टॉनिक बना हुआ है। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन से है, लेकिन फिर भी आप जब तक डॉक्टर रिकमेंड ना करे तब तक आपको ये मेडिसिन नहीं लेनी है। तो ये हेम पुष्पा है जिसका रिव्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अगर आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है तो आप जरूर इसका सेवन करें, ठीक है? लेकिन एक आप शीशी लेके देखेंगे तो मुझे नहीं लगता एक शीशी में आपको कोई फायदा दिखेगा। कम से कम 2 या 3 शीशी आपको लेनी ही पड़ेगी इसको पीने के लिए। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं इस टाइम तो प्लीज इसका सेवन ना करें जब तक डॉक्टर इसे रिकमेंड ना करें। तो आई होप ये जो आज का वीडियो है आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, एंड पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा कि आप मेरे परिवार से जुड़ेंगे, और सच्चाई से बात मेरी फैमिली बढ़ेगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में लगी घंटी बजा दीजिए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।